प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। पांच नंबर में दिया है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपद में है। तो देखिए, सब एक ही तरह के क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी है, ठीक है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए पहला ही देखते हैं, इसमें लिखेंगे, इसमें भी उसी तरह मान 6+√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको ये तो पता होगा ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, चलिए तो पता है। तो यह मान लिए कि एक परिमेय संख्या का रूप है, अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है ना, तो ये परिमेय है। तब a और b ऐसे पूर्णांक है कि 6+√2 बराबर a/b, जहां b≠0। अब 6 को उधर ले जाइए, ठीक है, इसमें 6 को उधर ले जाइए तो √2 बराबर हो जाएगा a/b-6। √2 बराबर अब आपको आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए a-6b। अब चूंकि यहां a और b जो है पूर्णांक न है, चूंकि a और b पूर्णांक है, ऊपर आप क्वेश्चन में लिखे थे ना, यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं कि पूर्णांक है, तो जब a और b पूर्णांक है तो यहां जो है a-6b तथा जो ये आपका एक ये b है, ये b क्या होगा? पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो जब ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक से भाग करेंगे, अतः आप लिख सकते हैं कि जो a-6b और बट्टा में b जो है, b एक परिमेय संख्या का रूप है, परिमेय संख्या का रूप है, है ना, तो परिमेय संख्या का रूप है। और चूंकि जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे उल्टा हो रहा है ना, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता कि 6+√2 एक परिमेय है, ये कैसा मान्यता है? तो ये गलत है, इसलिए 6+√2 अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर इसमें का 5 देखिए, 5 देख लेते हैं, उसके बाद सारा आप बना लीजिएगा। 5 नंबर में तो लिखना होगा कि मान √3 - √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है, तब a तथा b ऐसे, है ना, दो ऐसे पूर्णांक हैं कि √3 - √2 बराबर a/b, जहां b जो है ≠0 है। अब यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, तो वर्क करिएगा तो ये हो जाएगा √3 - √2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a² / b², या फॉर्मूला लग जाएगा a² + b² - 2 × a × b, समझ रहे हैं ना, इधर है a² / b²,
ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6 बराबर ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 5 प्लस ए स्क्वायर सॉरी माइनस हो जाएगा, ए 5 माइनस ये आएगा तो माइनस का होगा ना, ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर में 2√6 यहाँ लिख सकते हैं ना इस तरह से। फिर अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, बी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2√6। अब लिख सकते हैं 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 बी स्क्वायर बराबर में √6, समझ गए। और चूंकि ऊपर आपकी ए और बी क्या है, पूर्णांक है, चूंकि ए तथा बी पूर्णांक है, ए तथा बी क्या है आपके पास पूर्णांक है, तो यहाँ से आपको ये जो 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है या ये 2 दिख रहा है और तथा जो बी स्क्वायर दिख रहा है पूर्णांक होंगे, ये सब भी क्या है पूर्णांक होंगे, तो ये सब भी पूर्णांक होंगे और पूर्णांक होंगे अतः ये क्या है परिमेय संख्या का रूप हुआ ना, अतः 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 2 बी स्क्वायर एक परिमेय संख्या का रूप है, परिमेय संख्या का रूप है और रूट सिक्स जो है अपरिमेय है, ये तो आपको पता है ना, और चूंकि रूट सिक्स एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जब ये अपरिमेय संख्या है और ये इधर परिमेय दिख रहा है तो ये तो इसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना, अतः हमारी हमारी मान्यता की क्या था आपका, तो √3 - √2 एक परिमेय संख्या है गलत है, ये हमारी मान्यता क्या हो गई गलत है, तो जब ये मान्यता गलत है इसलिए √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है, समझ गए। चलते हैं आगे, इसमें बढ़ते हैं आप, ये आपका तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है।